अस्सलाम वालेकुम। जैसे कह रहे थे कि आप एक बार फिर आप लोग के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट ईयर में, ये नेक्स्ट ईयर नहीं है, वही है, बस हमें उस दिन जो है ना पता ही नहीं था कि मतलब पता रहता है, लेकिन हम उस टाइम हमारे माइंड से निकल गए थे कि हमारा वाइवा भी बाकी है, लेकिन आज वाइवा था, पहले वाइवा था, F1 का वाइवा था। तो हम देखते हैं बच्चों से कुछ सवाल करेंगे कि उस लोगों ने वाइवा में क्या किया और क्या बताया। तो सबसे पहले आए देखते हैं, सबसे पहले हम पूछते हैं, आ जाए ना सब बाप। तो आज आप बताइए अपने, हमारे जो वीडियो को देखने वाले लोग हो या आने वाले लोग हैं जो इस बेस में, तो आपको इन लोगों को बताएं कि वाइवा के बारे में क्या बताया आपने और कैसे लगा आज का वाइवा। हमने तो काफ़ी अच्छा वाइवा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये है कि तो थोड़े बहुत जो है ना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, और ये कि मतलब नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, हर स्टूडेंट से ऑलमोस्ट जो है ना नर्सिंग प्रोसेस का पूछा है, मेरे ख्याल से आप सभी पूछा होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि नर्सिंग प्रोसेस का क्या है, आप नर्सिंग प्रोसेस के कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में मैंने ये बताया कि नर्सिंग प्रोसेस स्पेशलाइज केयर इन विच नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल्स। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप आने वाले बच्चे जो आते हैं इस बेस पे आएंगे, तो आप जो है ना उसको क्या कहना चाहोगे? मैं ये सजेशन दूंगा कि आप जो है ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें सबसे पहले, रट्टे मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है, हम चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जो है ना वाइवा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो आप आगे जो मैं सेकंड बंदे से पूछा कि वो आप क्या कहना चाह रहे हो और उसके हवाले से क्या बात करना चाहिए। क्या नाम है आपका? बिलावल। तो बिलावल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ी दो मिनट में दे सकते हो कि हम कुछ सवाल थे ये बच्चों के देखने, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि आप उनको क्या छोड़ना चाहते हैं? आज जो आप लोग का मेरे ख्याल से वाइवा हुआ, और तो कैसा दिया वाइवा, कौन से सब्जेक्ट के हमारा वाइवा था F1 का, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप आने वाले बच्चों को क्या कुछ बता सकते हैं, डाउट को या अपने टीचरों के हवाले से? बिल्कुल बता सकते हैं, अपनी आने वाली नस्ल को हम ये कह सकते हैं कि भाई नर्सिंग में आ जाओ, नर्सिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नर्सिंग में आ जाओ, नर्सिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें फ्यूचर भी है, और दाव का खिदमत है, खलक खिदमत है, खलक भी है। क्या पोजीशन है आपके मुताबिक जो नर्स पोजीशन है? बच्चे कह रहे कि यार आज के बच्चे जो कह रहे हैं वो बोले बहुत हार्ड है, नहीं कर सकते या नहीं, हार्ड उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और इजी है, अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है इंशाल्लाह ये। तो इस डिग्री में आपको कुछ पता है कि आप इस डिग्री में क्या क्या कर सकते हो? बिल्कुल सर, हम एक तो इंसानों की खिदमत करते हैं सबसे पहले, ठीक है, इंसानों की खिदमत करते हैं, उसके बाद इसमें ये है कि इसमें पैसा भी है, एज अ टीचर भी बन सकते हैं। हाँ सर, इसमें एज अ टीचर भी बन सकते हैं, लेक्चरर जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। यस, अच्छी सैलरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना इंस्टीट्यूट वगैरह जो उसका नाम बता सकते हैं? हमारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लियाकताबाद से हैं हम लोग। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ एक बहुत बड़ा शख्सियत और जो अहम बंदा हमारे साथ दाऊ का प्रोफेशनल और अहम तरीन इंसान जिसका तारीफ करते हुए कम है, तो हम इसके आप लोग इसके साथ मुलाकात करवाते हैं, इससे पूछते हैं कि उसने आज जो वाइवा दिया उसके बारे हमें भी बताएगा और जो बच्चे हैं उसको भी बताएगा और आने वाले बच्चे उसके बारे में उसको भी कुछ ये बताएगा। अच्छा, ये सर सामान क्या है सर? नाम क्या सर आपका? सुहेल। सुहेल, तो सुहेल आप बता सकते हो आज के वाइवा के बारे में? क्यों नहीं, माशाल्लाह आज वाइवा बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और देखिए मतलब ये बच्चे जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जो मतलब परेशानी कर रहे हैं कि ऐसा ना हो वाइवा हमारा कैसा होगा, उल्टा सीधा ना हो, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आसान है, बस यही पूछते हैं कि पेन क्या है,
स्लीप क्या है और दूसरा जो है नर्सिंग प्रोसेस क्या है। तो मैंने ऐसे चंद बच्चों से सुना है कि यार वाइवा तो एक वाइवा जो छोड़ो वाइवा तो अलग सी बात है, पूरा क्रिएशन जो बेस है वो मतलब बहुत हार्ड है लेकिन नहीं कर सकते, मतलब बच्चों ने हार मान ली, इसके बारे में आप क्या? मैंने ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर मैंने मतलब हार नहीं मानी ना तो किसी बच्चे को हार नहीं मानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जब मैं था बहुत वीक था और अभी माशाल्लाह टाइम गुजरते के साथ माहौल होना चाहिए इंसान को, मतलब जिस माहौल में रहता है उस हिसाब से इंसान को चलना चाहिए तो खुद को खुद कोऑपरेट कर लेते हैं। अच्छा, वो तुम्हें एक आखिरी सवाल आपसे कि आप आने वाले बच्चे जो सेकंड ईयर के बाद आ रहे हैं तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि भाई मेडिकल फील्ड जो है एक ऐसा शोबा है हमारे लिए, ये हर हाल में लाजमी करना चाहिए इंसान, मतलब किसी भी ऐसा वक्त आ सकते हैं इंसान के घर में लाजमी एक नर्स होना चाहिए, बाहर हो घर में हो अंदर हो, तो ये एक अच्छी फील्ड है। हाँ, इंसान अगर अच्छाई के लिए अंदर आए, अगर यही सोचे कि बस नहीं मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, बस इतना हुआ समझे कि मुझे एक नर्स बनना है, लोगों की खिदमत करनी, लोगों की खिदमत करनी। आपके हिसाब से लोग कह रहे हैं कि कारोबार बन गया इसके वजह से ये जी ये तो सही बात है, आजकल तो मतलब नर्सिंग पेशा कारोबार ही बना, हर बंदा इसी के लिए करता है कि भाई मैं एक अच्छी जगह पर जॉब कर लूँ और मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए, खिदमत वगैरह को कोई नहीं देखता। लेकिन मेरे हिसाब से मेरी एक राय है, सबको यही राय है कि भाई आप लोग एक नर्स बनो केयर प्रोवाइड करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत वाइवा बहुत अच्छा हुआ कि हमें ये आप नाराज किए, आप पूछ रहे ना नाराज किए, हम नाराज इस वजह से कि हमारे पेपर हमारे इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, हमारे वाइवा हमारे इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने जाने में तकलीफ होती है। हमारा एफ ओ एन का था, बेसिक बेसिक सवाल और दूसरा ये बात कि मैंने चंद लोगों से ऐसे पूछा था कि उन लोगों कह रहे थे बी एस एन के बेस जो अब बेस में आए बी एस एन के हवाले से, वो बोले कि बी एस एन बहुत हार्ड है और आने वाले बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं यार ये क्यों क्या गलत है या सही है? नहीं, लाजमी सी बात है, जिस चीज़ में बंदा मेहनत नहीं करेगा हर चीज़ में मुश्किल आए, मतलब मेहनत की वजह है ना, जैसे आप बंदे को जैसे प्यास लगती है तो बंदे को जैसे प्यास लगती है वो बैठे रहेगा कि नहीं पानी खुद मेरे पास है, पानी तो खुद नहीं आएगा, तुम मेहनत करोगे उठोगे उठोगे जाओगे झुकोगे गिलास उठाओगे पानी डालोगे खीर पियोगे। तो आप जो आने वाले बच्चे उसको अब क्या आने वाले बच्चों को मैं यही राय दूंगा, बिल्कुल आइए एडमिशन लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ज़्यादा कोशिश कीजिए कि MBBS में MBBS में रहें। हाँ, तो नर्सिंग प्रोसेस के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि आजकल लोग कह रहे हैं कि जो नर्स है या जगह जगह में क्लिनिक खुले हुए एक कारोबार बना हुआ है, ये क्या कारोबार के लिए या खिदमत के लिए? कुछ जो बंदे अपना ज़मीर बेच देते हैं ना उसके लिए, जो बंदा अपना ज़मीर नहीं बेच, लोगों को खिदमत करनी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने जो हमें।